होती है कि पेशेंट ने इम्प्रूव करना है या नहीं करना, या पेशेंट रिलैप्स करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हम इस चीज़ को गारंटी बना सकते हैं इस तरह से कि हम कुछ स्किल अपने लाइफ में फॉर लाइफ टाइम एक स्किल सीख सकते हैं. मतलब एक 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 स्किल है सिर्फ, इट्स ऑल अबाउट जस्ट वन स्किल, कि एक स्किल को अगर आप थ्रू आउट अपनी लाइफ में रखें साथ, ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लें इस चीज़ को कि येस आई एम अ सिक पर्सन, मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज की ज़रूरत है, मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें. इसी चीज़ तो सारी ज़िंदगी आप अपने साथ वो रखेंगे, और आप फिर अपने आप से ये वादा करेंगे कि आपने उससे हटना नहीं है, उस स्किल को छोड़ना नहीं है कभी. वो क्या हो, जैसे कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करना चीज़ों को, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी की बात, डिसिप्लिन अपने साथ, मतलब बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. तो ये देखेंगे यहाँ पे अभी हमें 10-12 स्किल्स तो अभी हमारे पास आ गए कि हम इनको सीख सकते हैं. जैसे बातचीत करने का एक स्किल है जो कि इतना अहम और इतना इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ को पूरा चेंज कर देता है, पूरी हमारे देखने का नज़रिया, हमारे बातचीत करने का नज़रिया, इवन कि हमारी फिज़िकल बीइंग को एक कम्युनिकेशन, सिर्फ एक छोटा सा स्किल के बातचीत करनी किस तरह से ये ठीक कर सकती है. अगर हमें बातचीत करने का हुनर आ जाए, अगर हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आएँ, अगर सिर्फ और सिर्फ बाकी सारे हम काम करते रहें लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाएँ, तो मुझे बताएं आप कभी भी किसी खराबी के रास्ते की तरफ जा सकते हैं? जब ही जा रहे होंगे हमेशा अपने आप को वहाँ से वापस ले आएंगे, क्योंकि हम जाएँ जब हम ऑनेस्ट होंगे खुद के साथ. सबसे अहम बात जो कि ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, कि अपने साथ ही ऑनेस्टी के साथ चलना. अगर सिर्फ आप इस स्किल को सीख जाएं और फिर इस स्किल को अप्लाई करना शुरू कर दें अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाती है. जब आप अपने साथ ऑनेस्ट होते हैं ना, अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करते खुद से, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये होता है कि हम अपने आप से ही बातें छुपाते हैं, हम दूसरों से बातें नहीं छुपा रहे होते. जब हमने कोई गलती करते हैं तो हम अपने आप को कितना डिफेंड करते हैं कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं थी, हम दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि नहीं मेरी तो इतनी गलती नहीं थी, फलां की गलती थी, उसने ऐसे किया था, लाइक हम ब्लेम गेम में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा. ये एक तरह से हम अपने साथ डिसऑनेस्टी कर रहे होते हैं कि हम अपने साथ ही धोखा कर रहे होते हैं, हम अपने आप को ही डिनाइल में लेकर जा रहे होते हैं, इवन दो गलती हमारी होती है. जैसे नशा करना गलती हमारी है, लेकिन हम मानते नहीं हैं कि हमारी गलती है. हम सारा ब्लेम किस पे डालते हैं? दूसरों पे, अपने माँ बाप पे, घर वालों पे. आप लोग घर का माहौल ठीक रखते तो मैं आज नशे ना करता. तो ये चीज़ कह रही हूँ कि जब हम ब्लेम गेम में आ जाते हैं ना, आज हमने बात ही ब्लेम के ऊपर भी करनी है, कि जब हम ब्लेम गेम अपना लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर दूसरों पे डाल देते हैं, या फिर हम रख देते हैं कहीं पे कि भाई मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है. ये हमारे एक तरह से ये डिसऑनेस्टी हो रही होती है. जो एक स्किल है कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, हम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम सरासर खुद के साथ झूठ बोल रहे होते हैं. कि जो इंसान खुद के साथ झूठ बोलता है, क्या वो दूसरों से सच बोल सकता है? क्या वो दूसरों के साथ ऑनेस्ट हो सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि वो खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं है. डिनाइल इसी चीज़ का तो नाम है कि हम खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं होते. हम खुद को इतना इतना ब्लेम गेम की तरफ चले जाते हैं, हम इतना दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर जाते हैं, फिर एक टाइम आता है कि वो रियलिटी बन जाती है. फिर एक टाइम आता है कि हमें एक्चुअली में लगना शुरू हो जाता है कि मैं तो बिल्कुल क्लीन हूँ, मैं तो बिल्कुल साफ़ हूँ, मेरा तो कोई मसला नहीं है, लाइक नो वन कैन कम अप टू मी एंड से मी कि मेरी गलती है. बिकॉज और ये हमारा पैटर्न बन जाता है, हम ये चीज़ सीख लेते हैं कि जब भी मेरे से कोई गलती होगी, मेरा काम है अगले के ऊपर चढ़ाई करना और उनको मेक श्योर करना कि गलती उनकी है. जैसे बींग एन एडिक्ट, हम ये चीज़ बहुत करते हैं कि हम अपनी फैमिली को ही इस चीज़ का ब्लेम दे रहे होते हैं कि आप लोगों ने ही मुझे नशों की तरफ लगाया. इनडायरेक्टली मैं नशों की तरफ आप लोगों की वजह से ही गया हूँ. इनडायरेक्टली मेरे जितने भी लाइफ में क्राइसिस चल रहे हैं, जितने भी लाइफ में मसले चल रहे हैं, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा जॉब लॉस हो गया, मेरा बिजनेस में कोई मसला हो गया, ये सारा आप लोगों की वजह से हुआ है. डीप डाउन एक चीज़ होती है जिसको मॉरल बेल कहते हैं. वो मॉरल बेल बजती रहती है हमारे अंदर और वो चीज़ हमें कहती रहती है कि गलती तो मेरी है, नशे तो मैंने अपनी मर्ज़ी से शुरू किए थे, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया. जब फैमिलीज यहाँ में शुरू में आती हैं ना, वो एक चीज़ बड़ी क्लियर कट कहती हैं, ये गलत कंपनी में पड़ गया था, इसको दोस्त नहीं अच्छे मिले, दोस्त अगर अच्छे होते तो आज ये नशों में ना होता. अब ये जो बात है, ये बड़ी आपने ध्यान से सुनी है, ये बात एक्चुअली में हम फैमिली को यकीन दिलवा रहे होते हैं कह कह कर कि मेरे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा वो दोस्त ज़रा ख़राब निकला, वो ऐसे ना करता ना तो मैं भी ना करता. और ये फैमिली यकीन कर लेती है इन बातों पे, आपकी बातों पे, बिकॉज़ उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती.
उनके पास और कोई वे आउट नहीं होता आपकी बातों के ऊपर यकीन करने के अलावा। एट द एंड उनके पास चॉइस इसी चीज़ की रह जाती है कि उन्होंने आपकी बात का यकीन करना है। फिर जब फैमिलीज यहाँ पे आती हैं वो हमें कहती हैं कि हमारी वजह से जो है ये बेचारा नशे में पड़ गया, शायद इसको बाप का प्यार नहीं इतना मिला, शायद मेरे में मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है जो मैं इसको सही रास्ता नहीं दिखा सकी। अगर माँ बाप से वाकई कोई गलती हुई होती ना तो सारे बहन भाई नशों में होते। फैक्ट तो यही है। अगर माँ बाप ने प्रॉपर अटेंशन नहीं दी, ठीक है, आपको आपका ये कहना है कि मुझे माँ बाप का प्यार ऐसा जितना नहीं मिलना जितना मिलना चाहिए था, या माँ बाप ये कहते हैं कि मैंने अपनी बच्चे की परवरिश इतनी अच्छी नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए थी, तो असूलन तो सारे बच्चों को किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए था, बिकॉज उनका कहना तो ये है कि हमने तो परवरिश ही अच्छी नहीं की। ऐसा नहीं होता। परवरिश का और एडिक्शन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। परवरिश का और नफ्सियाती बीमारियों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हमारा ब्रॉटअप अलग तरीके से होता है, यस इम्पॉर्टेंट रोल ज़रूर प्ले करता है। माँ बाप जो टीचिंग्स हमें सिखाते हैं, जो वैल्यूज़ हमें देते हैं, जो हमें एथिक्स सिखाते हैं, वो हमारी लाइफ का थ्रू आउट एक बड़ा अहम हिस्सा रहती हैं और वो पार्ट भी बनती हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर परवरिश अच्छी नहीं हुई तो नशा तो ज़िंदगी में आएगा ही आएगा। नशा जो होता है, ड्रग्स जो होती है, हमारे बाय चॉइस होती है, हमारी मर्जी होती है कि मुझे, मैं उस फलां दोस्त में बैठा, उस सर्कल में बैठा, वहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम स्मोक किया, माहौल ऐसा बना हुआ था, मेरा दिल किया स्मोकिंग करने का, मैंने कर ली। क्या किसी ने ज़बरदस्ती सिगरेट आपके मुंह में डाला? वो पीयर प्रेशर किसने लिया? आपने खुद लिया ना। यस, पीयर प्रेशर एग्जिस्ट, हर जगह एग्जिस्ट करती है, एक चीज़ है, एक प्रॉपर एक नॉर्म है, ये कॉन्सेप्ट है, ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो पीयर प्रेशर की उसकी भी चॉइस थी आपके पास कि वेदर आप इस पीयर प्रेशर को लें या ना लें। इसी तरह जब ड्रग आपके सामने आया, जब आपने देखा कि लोग पाँच छः लोग बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ का प्रेशर आपके ऊपर पड़ा। आपने सोचा कि मैं करूं या ना करूं? अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछा उस टाइम कि मुझे कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए। जवाब आए कर लेते हैं, क्या ही जाएगा, एक सिगरेट ही तो है। लाइफ में वैसे भी बड़ा कुछ ट्राई करना चाहिए, एडवेंचर है, ये भी एडवेंचर करके देख लेते हैं। ये जवाब मिला और यहीं से कहानी शुरू हुई और फिर हम आज यहाँ पर एंड अप हम यहाँ कर चुके हैं। तो इट्स ऑल कम्स टू कि हम ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं। हम खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करते द वे वी आर। हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज उनका एक ये पैटर्न बन चुका है, दिस इज़ हाउ दे आर नाउ। उन्होंने ये चीज़ सीख ली है कि मैंने अपने ऊपर कोई मलबा लाने ही नहीं देना। बात हम डिस्कशन इस ये करने के लिए बैठे थे कि जी हमने अपने लव्ड वन का कोई सीरियस एक्शन लेना है, कोई सीरियस इलाज कराना है, वो डिस्कशन ब्लेम गेम में टर्न हो जाती है। हम कैसे ये दूसरों से उम्मीदें लगा लें कि वो मेरे साथ ऑनेस्टी से पेश आए, जब हमारे अंदर खुद के अंदर खुद के लिए मलाल इतने सारे पैदा हुए हुए हैं, जब हमने खुद के लिए इतनी बातें रखी हुई हैं। एक चीज़ होती है, एक इंसान के परसोनाज होते हैं। साइंस ये कहती है कि हम एक इंसान के दो से ज़्यादा परसोनाज हो सकते हैं। परसोनाज होते हैं हमारी एक पर्सनैलिटी, जैसे कहते हैं ना कि फला इंसान टू साइडेड फेस, उसके टू फेस हैं, वो टू फेस्ड है, या इस तरह से वो बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है। ये रियलिटी है, ऐसा होता है और ऐसे हम सब होते हैं। हम ये चूज़ करते हैं कि मैंने फ्रेंड सर्कल में अपने आप को कैसे प्रटेंड करवाना है, मैंने घर में अपने आप को कैसे रखना है, मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में या जहाँ मैं जॉब करता हूँ या जहाँ बिजनेस करता हूँ, मैंने वहाँ अपने आप को कैसे रखना। देखिए, आप कहीं ना कहीं अपने आप से फेक कर रहे होते हैं ना कि आई यू नॉट योर ट्रू सेल्फ। फिर आप ये कह सकते हैं कि यू हैव मोर देन वन सेल्फ, बट इट्स नॉट पॉसिबल। हमने इसी ट्रू सेल्फ पर तो काम करना है कि हम इस ट्रू सेल्फ को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, इम्प्रूव करें, ग्रो करें, ताकि इस ट्रू सेल्फ के अंदर जितनी खराबियाँ हैं, जितने लूप होल्स हैं, जितनी मिस्टेक्स हैं, उनको हम कवर करें और फिर आगे हम मूव ऑन करें। देखें, हर इंसान के सीक्रेट्स होते हैं, सबके डार्क सीक्रेट्स होते हैं, सबकी किसी की लाइफ इतनी क्लीन नहीं होती, सबने बड़ा कुछ किया होता है। पर इट्स ज़रूरी ये चीज़ होती है कि हम उन गलतियों से, उन सीक्रेट से कुछ सीखें और आगे मूव ऑन करें, ना कि हम बस उनको सारी ज़िंदगी उन्हीं के ऊपर रिग्रेट करते रहें और बस अपने दिल में एक ये खौफ रखें और इसी फियर के साथ हम सारी ज़िंदगी रहें कि मैंने ये काम किया हुआ है। ये यस, उसको कन्फ्रंट करें, कन्फ्रंट योर फियर, अपने डर को, अपने खौफ को, अपने सीक्रेट्स को कन्फ्रंट करें। यस, आई हैव डन दैट एंड इट्स नॉट जस्टिफाइड, इट्स नॉट गुड, ये चीज़ अच्छी नहीं है जो मैंने की थी, लेकिन अब आगे मूव ऑन करें। जब तक आप कन्फ्रंट नहीं करेंगे अपने ही आप से, आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो इट्स लाइक एक रस्सी ने आपको पुल किया हुआ है, पीछे से पकड़ा हुआ है, वो आपको लेट गो नहीं करने दे रही है। जब तक आप आगे इस चीज़ से नहीं फाइट करेंगे,
अपने आप से, जब तक आप अपने ट्रू सेल्फ को इन्हांस नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिस जो ट्रू सेल्फ होता है जिसका, अगर वो अपना ट्रू सेल्फ हर जगह शो करे तो उसका तो कोई मर्डर कर दे। इसका मतलब कहीं ना कहीं है ना आइडिया कि मेरे ट्रू सेल्फ में काफ़ी लूप होल्स हैं, तो वाई नॉट करेक्ट, एग्जैक्टली सबके होते हैं, वाई नॉट करेक्ट देम, वाई नॉट वर्क ऑन देम एंड जस्ट बी आर ट्रू सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। चाहे फिर हम अपने घर में हों, चाहे हम अपनी फैमिली के साथ हों, चाहे हम बिजनेस में हों, चाहे हम फ्रेंड्स के साथ हों, हम वही रहें जो हम एक्चुअली हैं। हम अपने आप को चेंज ना करें, हम अपने पर्सोनास ना बनाएं 3-4 किस्म के, और हम ये ना शो कराएं कि अच्छा उस टाइम पे मैं यहाँ ऐसे प्रटेंड कर लूँगा, अभी ऐसे कर लेता हूँ, अभी वैसे कर लेता हूँ। जैसे ये चीज़ होती है कि सारा जोर और सारा रोब, सारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग हमारी कहाँ चलती है, पेरेंट्स के साथ, घर में सारी। लेकिन जब हम जैसे अब यहाँ पे जब आप एडमिट होते हैं, हमारे साथ तो आप में से कभी कोई रूड नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही फैमिली की शक्ल देख लेते हैं एक मिनट से पहले रूडनेस आ जाती है। होते हैं रूड होते हैं, बट उस तरह से नहीं होते जिस तरह से फैमिलीज के साथ होते हैं। मतलब बिल्कुल ही मुंह फेर लेना, मुंह मोड़ लेना, बात ही ना करना, नाराज़गी शो करना और कहना बस चले जाए, नहीं ज़रूरत मुझे आपकी। जब हमसे आपकी मीटिंग होती है आप चलते हैं, आप कहते हैं चले थैंक यू सो मच। फैमिली से कभी कहा मीटिंग के बाद थैंक यू? हमें कहते हैं ना कि थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच मिस, थैंक यू कहते हैं ना। क्या फैमिली को आज तक मीटिंग के बाद कहा है थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर चेकिंग अप ऑन मी, थैंक यू फॉर लुकिंग फॉर मी, लुकिंग आउट फॉर मी? कभी ये चीज़ें कही हैं फैमिली को? कही हैं? शर्म आती है, इसी शेम से तो बाहर निकलना है। आई अंडरस्टैंड शर्म आती है एक पेरेंट्स का और बच्चों का आपस में जो रिलेशनशिप होता है, कह सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट थोड़ा सा होता है, कि एक बाउंड्री लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी बाउंड्री लेवल के अंदर पोर्स क्रिएट करके अंदर एंटर हुए और बट उस तरह से ब्रीच ना करें उनकी बाउंड्री, बट मेक श्योर करें कि आप उनकी एक कम्फर्ट लेवल बनाएं खुद के लिए भी और उनके लिए भी। तो ये छोटे छोटे जेस्टर्स होते हैं जिससे हमारी फैमिली अनकॉन्शियसली अनइंटेंशनली बहुत खुश हो रही होती है और उन्हें एक बड़ी तसल्ली से मिल रही होती है। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, मतलब ये हम अक्सर औकात ना इन छोटी छोटी खुशियों को बड़ा निगलेक्ट करते हैं, हम इनके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते, हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते या हम इनके बारे में सोचते नहीं हैं। बट मैं आपको बताऊं कि ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत काउंट करती हैं। जैसे यहाँ पे आज आप सबको एक डेयरी मिल्क दे दी जाए, कितनी खुशी होगी, कितने अरसे से नहीं खाई और आज मिल जाएगी, होगी खुशी कि नहीं? है तो ये एक लिटिल हैप्पीनेस, बट आपके लिए ये छोटी हैप्पीनेस नहीं होगी, एक बहुत बड़ी बात होगी। इसी तरह जब आप फैमिली से ज़रा प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, ज़रा अपना कंफर्ट लेवल से बाहर निकलकर उनको रीच आउट करते हैं, तो फैमिली बहुत खुश होती है। जैसे हम सबकी पर्सनालिटीज़ के अंदर ना बहुत ज़्यादा वीकनेसेस होती हैं, किसी की वीकनेस है गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, कोई है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत पेशेंस लेवल बहुत कम है, बहुत जल्दी हौसला छोड़ देते हैं, कोई है कि जिन्हें बात नहीं सही से की जा रही होती, कॉन्फिडेंस नहीं फील होता जब भी बातचीत करनी होती है, बहुत सारे मसले होते हैं। सबके अंदर कोई ना कोई वीकनेसेस होती हैं और यस लिस्ट होती है। तो क्या कभी आपने अपने ऊपर इस तरह से काम किया है कि एक लिस्ट बनाए अपनी वीकनेसेस की, कि अच्छा मेरे अंदर क्या क्या वो खराबियां हैं जिनको मैं ठीक कर सकता हूँ? क्या इस तरह से कभी कोई लिस्ट बनाने की कोशिश की या ट्राई की कभी एक दफ़ा गलती से भी, या चले माइंड में ही कोई लिस्ट बना लियो कि नहीं मुझे ना एंगर के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन, बार बार अपने आप को इस चीज़ के ऊपर सोचें कि कितनी गलतियाँ की हैं, मेरे अंदर क्या मिस्टेक्स हैं, मेरे अंदर वीकनेसेस क्या हैं, बार बार टाइम एंड अगेन इस चीज़ के बारे में सोचें, देन इस चीज़ को देखें कि कितनी बेहतरी आती है आपके अंदर, तब आपको पता चलना शुरू हो कि मुझे अपने आप को कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कि ब्लेमिंग बहुत कॉमन होता है, ब्लेमिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन होता है हमारे अंदर भी और पेशेंट्स के अंदर भी। पेशेंट्स इस सिनेरियो में रहते हैं कि दे हैव स्टार्टेड लाइकिंग टू ब्लेम अदर पीपल, वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स के ऊपर डाल देते हैं। हमारा सारा इंटरेस्ट कहाँ होता है? सारा इंटरेस्ट दूसरों के करने वाले काम पर होता है। वो जो कर रहे हैं ना, अगर मेरे माँ बाप ये सीख जाएँ कि मुझे ट्रीट कैसे करना है, मेरी बातें कैसे माननी है, मेरे साथ बात कैसे करनी है, तो मैं तो कभी रिलैप्स कर ही नहीं सकता। हमारा सारा इंटरेस्ट उन पे चला जाता है। लेकिन अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि थ्रू आउट दी लाइफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की है, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक नीड्स की होती हैं, जो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स की फिल करने वाली होती हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए आपके पेरेंट्स अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, एंड देन वो आपको आपकी नीड्स पूरी करते हैं। लेकिन जब हमारे करने वाले काम आते हैं तो वो हमारे ही होते हैं। हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा मेरे माँ बाप मुझे खाना खिला रहे हैं
तो फिर रिकवरी भी मेरे माँ बाप ही लेकर चलेंगे। अगर वो ये फलाँ काम ये करें तो सारे काम फिर वही करेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कब तक वो करेंगे सारे काम? एक पॉइंट आता है लाइफ में, एडल्टहुड क्या होता है कि जब आप एक एडल्टहुड में एंटर होते हैं तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आती हैं, स्ट्रेस आपके ऊपर बढ़ता है, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कैरियर की, आपकी पर्सनल लाइफ की, आपके रिलेशनशिप्स की, आपके स्टडीज़ की, बहुत सारी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आपके ऊपर बढ़ती हैं। बट हमारी एक्सपेक्टेशंस लो रहती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस ये रहती हैं कि ये काम भी फिर हमारे माँ बाप या हमारे सिबलिंग्स या हमारे पार्टनर्स ही पूरे करेंगे, हम नहीं कर सकते। ये एक बीमारी का नेचर होती, बीमारी का पार्ट होता है, ये एक बीमारी की नेचर होती है कि हम सोच इस तरह से रहे होते हैं कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये अगले की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी ये पूरे करेगा। इसमें बहुत अहम रोल फैमिलीज़ का होता है। चूँकि फैमिलीज़ उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने देती ही नहीं है पेशेंट को, वो फैमिलीज़ ये चाह रही होती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं ये अगर बाहर गया कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए गया तो ये तो फिर कुछ नशा ना कर ले तो मैं ही ले आती हूँ बाहर से। ऐसा बड़ी दफ़ा हुआ होगा कि मार्केट जाना है, कहीं जाना है, कुछ लेना है, तो ये चीज़ सोची होगी कि अगर मैंने इसको कह दिया कि ये ले आए बाहर तो कुछ ना हो जाए, कहीं ये गायब ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए, सिगरेट ना पी ले, मैं ही चले जाती हूँ। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। आहिस्ता आहिस्ता होता ये कि हम ये सीख जाते हैं कि मैंने, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है और मेरे लव्ड वन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। यहाँ से ख़राबी पैदा होती है, वहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं। एक पॉइंट आता है जब वो फील करते हैं कि मैं आई एम स्टक हियर, इससे ज़्यादा मैं अपनी रिकवरी पे काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सारी ज़िंदगी हम रिकवरी पे काम करें ना, तो ये वो भी कम है। चाहे वो कोई भी नफ्सियाती बीमारी हो, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, हमारी रिकवरी सारी ज़िंदगी हमने करनी है, सारी ज़िंदगी नशों से परहेज़ है। लेकिन जब एक टाइम आता है जहाँ पे हम फ्लाइट इनटू हेल्थ में चले जाते हैं, वहाँ हमें लगता है कि अब नशों से परहेज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, अब अगर मैं थोड़ा बहुत नशा कर भी लूँगा तो ओके है, काम चलता रहेगा। ऐसा होता नहीं है, ये हमारा डिनाइल होता है, ये वापस आ जाता है और फिर यहाँ से मज़ीद और मज़ीद हम ख़राब होते चले जाते हैं। यहाँ से हमारी रिकवरी एट स्टेक आ जाती है, यहाँ पर हम अपनी रिकवरी को रिस्क में डाल देते हैं। तो थकना अब हमारे, मतलब इट्स नॉट इन आर, हमारे बेल्ट में ये चीज़ नहीं है अब कि हम थक जाएं, क्योंकि हम अपनी रिकवरी से थक नहीं सकते। इट्स अ लाइफ, क्यों कहते हैं कि एडिक्शन की जो रिकवरी है इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जो रिकवरी है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। वंस आपको ये चीज़ हो गई है, आपने सारी ज़िंदगी इससे सीखना है, सारी ज़िंदगी हर दिन एक नए तरीके से फाइट करना है कि आपने रिकवरी को मेनटेन करना है। और जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि रिकवरी से रोमांस कर लें, वो क्या क्या चीज़ होती है, वो क्यों ऐसे कह रहे होते हैं, उसमें क्या मैसेज क्या होता है इस सेंटेंस में कि रिकवरी से रोमांस कर। मैं एक चीज़ हमेशा ये कहती हूँ, बड़ी दफ़ा मैं ये चीज़ कहती हूँ कि हमने लाइफ का एक बड़ा बहुत बड़ा चंक हमने अपनी मर्जियाँ गुजार के चेक कर लिया हुआ है, देख लिया हुआ है, सारे हर तरह के ड्रग्स करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, लाइफ में जो जो हम चाहते थे एक्सपीरियंस करना हमने वो करके देख लिया, मतलब एक काफ़ी लंबा चंक हमने अपनी मर्जी से गुजारा है। तो वाई नॉट कि अब हम इस तरफ आएँ कि थोड़ी बहुत मर्जियाँ हम इलाज की मानना शुरू कर दें, थोड़ी बहुत मर्जियाँ हम घर वालों की मानना शुरू कर दें। अगर इस एंगल से सोचें ना तो काफ़ी, जैसे दिल करता है सिगरेट पीने का या सिगरेट की क्रेविंग होती है आउटडोर्स में, तो वहाँ पे ये चीज़ अगर हम एक सेकंड के लिए सोच लेना कि बड़ी दफ़ा मैंने ज़िंदगी के एक बड़े लंबे अरसे में सिगरेट पी है और मैंने अपनी मर्ज़ी से पी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स की क्या मर्ज़ी है कि मैं सिगरेट ना पीऊँ, तो एक दफ़ा उनकी मर्ज़ी मान के देख लेता हूँ। मतलब एक डिस्ट्रैक्शन का तरीका है ये भी कि आप इस तरह से अपने आप को कहें कि एक टाइम आए कि आपको अच्छा लगना शुरू हो जाए और आप अपने आप को इस चीज़ का पैटर्न बना लें, ये चीज़ सीख जाए। थर्सडेज के ग्रुप में हम यूजली कोडिपेंडेंसी पे बात करते हैं। आज हमने बहुत अहम कॉन्सेप्ट है कोडिपेंडेंसी का, विच इज़ ब्लेमिंग, उस पर बात करनी है। हम ऑलरेडी इस पर थोड़ी बहुत बात कर रहे थे कि किस तरह से पेशेंट्स जो हैं वो अपना एक पैटर्न बना लेते हैं दूसरों को ब्लेम करने के ऊपर, और ये एक कोडिपेंडेंसी एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो सीख जाते हैं कि उन्होंने अपने आप को हमेशा बचाना है, अपने आप एक सेफ प्ले करना है और ब्लेम अगले पे डालना है या ब्लेम नेक्स्ट पर्सन पे डालना है। ये वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, ये अनकॉन्शियसली ये चीज़ चल रही होती है। लाइक इंटेंशनली आप इस तरह से नहीं कर रहे होते कि आप जानबूझ के ब्लेम जो है खुद पे ना लें बल्कि दूसरे पे डालें। इस तरह से होता ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम शिफ्ट कर देते हैं, हम पैराडाइम भी शिफ्ट कर देते हैं, दूसरों को सोचने का भी टाइम नहीं दे रहे होते और हम इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज कर देते हैं कि
नेक्स्ट पर्सन को एक्चुअली में ये फील होना शुरू हो जाता है कि वाकई में ये तो मेरी वजह से हुआ है ऐसे. जैसे पेशेंट्स जो है वो फैमिलीज को ये कह रहे होते हैं कि आपकी वजह से मैं इन बीमारी में पड़ा हूँ, या आपकी घर का माहौल अच्छा नहीं था, डिस्टर्ब चाइल्डहुड था, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स थे बहुत ज़्यादा, लड़ाई झगड़े बहुत थे, प्रेशर बहुत था. मैंने आपको कहा था कि मैं मेडिकल नहीं करना चाहता बट यू पुश मी टू डू दैट. मतलब मल्टीपल रीजंस आ जाती हैं, तो हम ब्लेम खुद के ऊपर नहीं लेते. दैट मीन्स होता ये कि हमें ना विक्टम रोल में रहना बड़ा पसंद आना शुरू हो जाता है. लाइक हमारे लिए जब हम ये सोचते ना कि हाय मैं कितना बेचारा, कितने जुल्म हुए हैं मेरे साथ, कितने मेरे साथ मसले मसाइल चल रहे थे. यही चीज़ कह रही हूँ मैं, यही एग्जैक्टली चीज़ मैं ये कह रही हूँ कि एक टाइम आता है कि वो एक्चुअली में हमारी रियलिटी बन जाती है. कि एक हम एक लंबे अरसे तक ब्लेम गेम में रहते हैं, हम एक लंबे अरसे तक ब्लेम करते रहते हैं दूसरों को. फिर एक टाइम आता है कि हम ये सीख जाते हैं कि अब तो मैंने ब्लेम करना ही करना है, अब मैं अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं ले सकता. डिनाइल होता है, ऑफकोर्स डिनाइल है ही, खुद फरेबी, अपने से झूठ बोलना. तो ये इस कॉन्स्टेंट डिनाइल की फेज़ में रहने की वजह से हम ये सीख जाते हैं कि गलती वाकई में उनकी थी. लेकिन अब एक बर्ड्स आई व्यू के थ्रू देखें, एक मेटाकॉग्निशन करके देखें, तो फिर हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि अच्छा गलती मेरी भी थी, उधर भी थी. हर कोई इंसान खुदा नहीं होता. बींग अ पेशेंट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से, अपने पार्टनर से कि दे शुड एक्ट लाइक एंजल्स, फरिश्तों की तरह वो बिहेव करें और उन्हें हर चीज़ ऑन द पॉइंट बिल्कुल ठीक करनी चाहिए, वो कोई ख़राबी नहीं कर सकते. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है. ह्यूमनली दिस इज़ नॉट पॉसिबल. वो इंसान है, वो फरिश्ते नहीं हैं. दे कैन नॉट प्रिटेंड लाइक कि येस दे आर गॉड और दे आर एंजल्स एंड दे कैन डू एवरीथिंग राइट फॉर यू और विद यू. ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. लेकिन हम ये समझना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है कि नहीं वो गलती कर ही नहीं सकते. बींग अ पेशेंट हम उनको इतनी स्पेस ही नहीं देते कि वो गलतियाँ करें. जब पेरेंट्स आपको एक इतनी बड़ी स्पेस, क्या पूरी स्पेस बहुत बड़ी दे देते हैं कि आप इतनी मिस्टेक्स करते हैं, एवरी टाइम यू डू अ मिस्टेक, एवरी टाइम वो आपकी फैमिली आपको माफ़ कर देती है. ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत दफ़ा हम सॉरी करते हैं, अगले से क्या जवाब आता है? ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अगली दफ़ा ध्यान रखना. यही जवाब आता है. हमारी फैमिली के दिलों में ना बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वो कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे होते, जस्ट बिकॉज वो फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं. वो आपसे खौफ खा रहे होते हैं, वो फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते. दे डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू. दे वॉन्ट कि अच्छा आप उनके साथ ही रहें, जैसे भी रहें बट रहें उनके साथ ही. सिर्फ इसी वजह से वो आपको कुछ कह नहीं पा रहे होते और वो फियर से ऑपरेट करते हैं. लेकिन जब वो फियर से ऑपरेट करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ती हैं, और ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा होती हैं, वो और आपसे डरना शुरू हो जाते हैं. एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है जिसकी वजह से रंजिशें, रिजेंटमेंट्स डिवेलप होना शुरू हो जाती हैं. क्योंकि हम बात कर ही नहीं पा रहे होते, हम अपना मैसेज उनको दे ही नहीं पा रहे होते, ना फैमिलीज अपना मैसेज पहुँचा रही होती हैं, और पेशेंट मतलब भरपूर तरीके से बहुत एक्स्ट्रा मैसेज अपना पहुँचा रहे होते हैं. वो उनको क्लियर कट कह रहे होते हैं, माई लाइफ माई रूल्स, मेरी मर्ज़ी, मैं रातों को लेट आऊँ इट्स माई चॉइस, मैं जो मर्ज़ी करूँ इट्स माई चॉइस, आप बस मुझे पैसे दें, गाड़ी दें, सारी आसाइशें दें, सारी फैसिलिटीज़ दें, बाकी मेरी ज़िंदगी है, मुझे रोक टोक की ज़रूरत मतलब इतनी ना करें मेरे ऊपर. तो ये चीज़ें हम उनको कह रहे होते हैं. और ऑन दी अदर हैंड फैमिली ये बिलीव करना शुरू हो जाती है कि वाकई में ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हमारा फ़र्ज़ है और हमारा लव्ड वन अपनी मर्ज़ियाँ करे, ये ठीक कर रहा है वो. एक टाइम आता है कि एक्चुअली फैमिली की यकीन करना शुरू हो जाती है क्योंकि दे आर ऑल्सो सफरिंग. वो भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो भी फाइट कर रहे होते हैं, वो तरीके ढूंढ रहे होते हैं किस तरीके से आपसे बात सही से पहुंचाएं, अपना मैसेज कैसे आप तक कन्वे करें. लाइक वो बहुत तरीके, हर तरीके से खाना अच्छा बना के आपसे बात कर ली, कि खाने के टेबल पे पहले पूछा कि खाना कैसे बना है, एंड देन पूछा अपनी बात की कि रात को लेट क्यों आए थे. क्योंकि वो डर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो इतना डरे होते हैं कि अगर वो बात खाने के बगैर पूछें तो शायद आप यू नो रिएक्ट कर दें, लेकिन जब आप वो खाने के साथ भी पूछ रहे होते हैं आप तब भी रिएक्ट करते हैं. घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना करो तुम मेरे साथ. क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं. खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं,
सारा किया धरा इन्हीं का तो है। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Help. Get 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 help.